अब गौर से सुनना, बहुत सी चीजें तुम्हें इस वाक्य के अंदर मिलेंगी। हजरत उमर फारूक अपने चंद लोगों को लेकर जब निकलते हैं, पहले यहूदियों की बस्ती पड़ेगी, उसके बाद ईसाइयों की बस्ती पड़ेगी। यहूदियों की बस्ती में साजिश हो गई। सुनो, उमर और उमर के लश्कर वाले निकल रहे हैं, उमर के साथी निकल रहे हैं। यहूदियों ने कहा कि उमर और उमर के साथियों के दिलों से ईमान कैसे निकाला जाए, ईमान की कमजोरी पैदा की जाए। यहूदियों ने अपनी नौजवान लड़कियों को नीम बढ़ाना कपड़े पहनाकर अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया और उनको गंदे गंदे बेहुदा अशार, बेहुदा गाने याद करा दिए और ये हुक्म दे दिया कि मेरी बेटियों, उमर और उमर के साथी जब यहां से निकलेंगे तो ऊपर छतों से ये अशार पढ़ना, ये मोहब्बत भरे शेर पढ़ना, उनको अपने दामन में आने की दावत देना। अगर तुम्हारे अशार सुनकर कोई भी बहक जाए और वो तुम्हें इशारे से बुलाए तो तुम बिल्कुल मना मत करना, वो तुम्हें जहां ले जाए चले जाना। और अगर किसी एक उम्र के साथी ने अगर तुम्हारे साथ मुंह काला कर दिया तो हम समझेंगे कि तुम उम्र के साथियों के दिलों से ईमान निकलवाने में कामयाब हो गई हो। यही सबसे बड़ी साजिश होती है, यही, और माफ कीजिएगा, यही साजिश आपके जलसे भी इससे महफूज नहीं रहे। जाकर देख लो, मेला लगा है और देख लो आपकी जवान जवान लड़कियां चूड़ियां खरीद रही हैं, जलसों में भी लिपस्टिक लगा लगा के आई हैं, क्रीम और पाउडर थोप कर आई हैं। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, क्योंकि ये कोई और नहीं है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें हैं। बस इतना कह देना काफी है। आगे चलिए, हजरत उमर फारूक के जासूस ने खबर दी अमीरुल मोमिनीन, ये प्लानिंग हो चुकी है, आप रास्ता बदल दीजिए। हजरत उमर ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि लोगों, ये प्लानिंग हो चुकी है, क्या किया जाए। सारे साथी कहने लगे कि रास्ता बदल दो। हजरत उमर ने कहा, नहीं, रास्ता नहीं बदलूंगा, वो हमारे दिलों से ईमान निकालना चाहते हैं, हम उन्हें अपनी ईमान की मजबूती दिखाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम उसी रास्ते से गुजरेंगे। तुम्हारे कुरान ने हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफजु फुरूजहुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कह दो कि जब वो कहीं निकला करें, कहीं जाया करें, तो वो अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी निगाहें पस्त रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। लोगों, हम सब उसी रास्ते से गुजरेंगे, वो गंदे गंदे शेर पढ़ के हमें बहकाएंगी, लेकिन हम लोग कुरान की आयतें पढ़ते हुए, अपनी नजरें झुकाते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। और सुनो, मैं तुम सबका मीरे कारवा हूं, सरदार हूं, अमीर हूं, प्रेसिडेंट हूं। प्रेसिडेंट आगे आगे चलता है, लेकिन मैं अब तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम सब मेरे आगे आगे चलोगे। मैं ये देखूंगा कि देखे वो लड़कियां अशार पढ़ रही हैं, मैं ये देखूंगा कि किसी की नजर ऊपर उन लड़कियों की तरफ तो नहीं उठ रही है। अगर मेरे किसी साथी की नजर छत पर खड़ी हुई किसी लड़की की ऊपर पड़ गई तो उमर की तलवार उसकी गर्दन की ऊपर पड़ जाएगी। यहां किसकी गर्दन पे तलवार मारोगे? यहां तो एक लड़की अगर थोड़ा सा मेकअप की हुई है तो उसकी तरफ से नजर हटती नहीं, हल में मजीद इससे भी खूबसूरत कोई नजर आनी चाहिए। दूसरी पे पड़ी ना, ये भी कम है, इससे भी खूबसूरत। किसी के इतने हाथ खोले, नहीं नहीं नहीं, इतने और दिखना चाहिए, इतना दिखा तो नहीं, नहीं यहां तक दिखना चाहिए। हल में मजीद की आवाज उठती है कि और दिखो, और दिखो। लड़कियां जितने कम कपड़े पहनती जा रही हैं, नौजवानों की तरफ से आवाज उठती है, हल में मजीद, ये भी ज्यादा है, और कम, और कम, और कम। और एक बात बता दूं, पहचान बता दूं आपको, जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लो कि वो उतने ही बड़े बाप की बेटी है।
ये बहुत बड़ी पहचान बता दी आपको। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि उसका बाप उतना ही अमीर होगा। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां होती हैं, और वो अमीर, उसको मैं अमीर नहीं मानता। दौलत का खजाना है तेरे पास, लेकिन तेरी दौलत मौलवी जर्जीज के पैरों के जूते के नीचे मैं नहीं समझता। का सबसे कंजूस बाप है जो अपनी बेटी को 5 लीटर कपड़ा नहीं दे सकता है। तुझसे बड़ा कंजूस कोई है ही नहीं इस दुनिया में। काहे का अमीर, किस बात का अमीर जो अपनी बेटी के जिस्म को ना छिपा सके। बहुत कुछ कह दिया मैंने, समझदार रा इशारा काफी है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। हजरत उमर ने तलवार निकाली, गुजरो, काफिला चलने लगा, यहूदी की बस्ती आ गई, अमीरुल मोमिनीन यहूदी की बस्ती से गुजरने लगे, साथी आगे आगे, उमर पीछे पीछे, वो मकान भी आ गए जिन पर लड़कियां खड़ी हैं यहूदियों की, गाने गाना शुरू, तराने शुरू, नर्मो नाजुक आवाज, लबो लहजे में, सुरीली आवाज में इश्की आशार शुरू। जैसी जैसे अमीरुल मोमिनीन के साथी आगे बढ़ते गए, इनकी भी आवाज शुरू होती गई, नजरें नीची जाती गई, और जब उन घरों से गुजरे तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इब्दाऊ, तुम कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दो, और इतनी जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज पर इनकी आवाज मगलूब हो जाए, तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए। हजरत उमर फारूक के साथी जोर जोर से पढ़ने लगे, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। उन घरों से गुजरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि ओ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरी कौम की बच्चियों, तुम मुझे अपने पास बुला रही हो, मैं तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं? हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया है, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि लोगों, हाय मर्दों, हाय मुसलमानों, जब भी तुम जमीन पर चलो, सड़क पे चलो, बाजारों में चलो, गलियों में चलो, अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, में तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता, इसलिए कि हमारी इस्लाम की इजाजत नहीं, हमारे नबी की इजाजत नहीं, हमारे कुरान की इजाजत नहीं। जब वो थोड़ी और दूर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुम्हें भी पैगाम देता हूं, हमारे कुरान ने, हमारे इस्लाम ने तुम्हें भी नसीहत की है, कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जब भी तुम भी कहीं निकलो तो अपनी निगाहें तुम भी नीची रखा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और जो मेकअप, जो बनाओ सिंगार तुमने किया है, ये गैर मर्दों के सामने जाहिर न किया करो, हमारे कुरान ने तुम्हें भी यही हुक्म दिया है। ये कहते गए और आगे बढ़ते गए उन बच्चियों की तरफ, और यहूदियों की उन लड़कियों की तरफ उन्होंने नजरें उठा कर नहीं देखा। जब ये आगे बढ़े और थोड़ी दूर आगे गए, उन लड़कियों ने अपनी चादरें उठाई, अपने जिस्म को छिपाया, नीचे उतर आई, और सारी लड़कियां भागते हुए कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन और उनके साथियों, मुझे अकेले छोड़कर कहां जा रहे हो? मेरे माँ बाप ने मेरी इज्जत आबरू का सौदा कर दिया था, मेरे माँ बाप ने मेरे जिस्मों से कपड़े उतरवा दिए थे, आपने हमारे जिस्मों की हिफाजत फरमाई है, जिस इस्लाम से तुम जुड़े हो उससे मुझे भी जोड़ दो,
जिस कुरान से तुम जुड़े हो उससे मुझे भी जोड़ दो, क्योंकि तुम ही वो हो जो अपनी बहन बेटियों की इबादत कर सकते हो। अमीरुल मोमिनीन और उनके साथियों, मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लो, मुझे अपनी बीवी बना लो, मैं भी इस्लाम से जुड़ना चाहती हूँ, तुमसे तुम्हारे साथियों से निकाह करना चाहती हूँ। हजरत उमर ने पीछे पलट कर देखा, सर से पैर तक छुपी हुई उन तमाम लड़कियों को कलमा पढ़ाया, फिर फरमाया, बेटियों मेरी कौम की बच्चियों, मैं यरूशलम से जब वापस आऊंगा तो तुम तमाम लड़कियों के निकाह का इंतजाम कराऊंगा, तुम सबके रिश्ते जुड़वाऊंगा और तुम्हें इस्लाम पर अमल करने की पूरी पूरी इजाजत दूंगा। मेरे भाइयों, लड़कियों ने कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहूदियों की साजिश नाकाम हुई और उन लड़कियों को इस्लाम की दौलत मिली। अब आगे चलिए, यहूदियों ने तो ये साजिश की, यहूदियों की बस्ती खत्म, ईसाइयों की बस्ती आती है। यहाँ एक दूसरा मंजर सामने आता है, जब ईसाइयों की बस्ती में अमीरुल मोमिनीन दाखिल हुए तो जुहर की अजान का वक्त हो गया, सहाबा वुजू बनाने लगे, मुअज्जिन ने खड़े होकर अजान दे दी, सबने अपनी चादरें बिछाई और खुले मैदान में नमाज की तैयारी होने लगी। एक ईसाई पादरी आया और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ेंगे, ये मेरा गिरजा मौजूद है, ये मेरा गिरजा मौजूद है, आप यहाँ नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा, नहीं, जिस गिरजा में मूर्ति होती है हम उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा गिरजा मुबारक हो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे कोई नई चीज नहीं बताई है, हमें मालूम है जहाँ मूर्ति होती है वहाँ आप नमाज नहीं पढ़ते, हमने अपने गिरजा से मूर्ति निकाल ली है, जीसस की, ईसा मसीह की हमने मूर्ति हटा दी है और मैंने गिरजा को धो दिया है, मैंने पाक चटाइयां भी बिछा दी है, आप आइए और नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा, अब कोई एतराज नहीं है, जब मूर्ति नहीं है, जमीन तो सारी की सारी अल्लाह ने पाक की है, बनाई है हम सबके लिए और उस पर पाक चटाइयां भी बिछी हुई है, तो हम तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। हजरत उमर गिरजा में घुस गए, सहाबा भी गिरजा में पहुंच गए, हजरत उमर इमामत के मुसल्ले पे आगे बढ़ गए, आपके साथी आपके पीछे खड़े हो गए, इकामत कह दी गई, हजरत उमर अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अचानक आपके दिमाग में क्या आया, आपने फरमाया, साथियों मुझे इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, निकलो। सारे सहाबा निकल गए, उस ईसाई पादरी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है, कहा कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। उसके बाद खुले मैदान में गए और वहां चादरें बिछाकर आपने वहां नमाज पढ़ ली। वो ईसाई रोने लगा, आपने उस ईसाई को, अमीरुल मोमिनीन ने उस ईसाई को अपने गले से लगाया, मेरे भाई तू क्यों रोता है। उसने कहा कि मैंने अपना गिरजा धोया था, जीसस ईसा की मूर्ति भी हटाई थी, स्टैच्यू भी हटाया था, मुझे खुशी होती अगर आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते, लेकिन आपने अंदर जाने की बात भी नहीं पढ़ी है, आपने तो मुझे इंसल्ट कर दिया, जलील कर दिया। हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, मैंने तुम्हें जलील नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हारे गिरजा की हिफाजत की, मैंने तुम्हारे गिरजा की हिफाजत की है, क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे ये डर लगा अगर आज मैंने कहीं तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ दी तो मेरे इंतकाल के बाद वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा पर मंदिर मस्जिद होने का दावा न कर दे, कहीं ये न कहें कि इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, ये पहले मस्जिद थी, तुम्हारे गिरजा को कहीं गिना न दे, तुम्हें भी अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का पूरा हक है, अगर तुम्हारा गिरजा गिराया गया और उस जगह पर अगर मस्जिद बनाई गई तो उससे बड़ा काला दिन हमारे लिए कोई नहीं होगा, हमने तुम्हारे इज्जत को धोया नहीं, हमने तुम्हें जलील नहीं किया, बल्कि तुम्हारे गिरजा की हिफाजत की है, क्योंकि मैं इस शहर का, पूरे अरब का मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि अकलियतों के और जिनकी संख्या कम है उनकी इबादत गाहों की इबादत मैं करूं। नारे तकबीर, हजमत ए सहाबा, हजमत ए मुस्तफा, नारे तकबीर। ये इस्लाम ने सिखाया है, ये उमर फारूक ने हमें बताया है,
और मुसलमानों, मेरा खिताब आज तुमसे है। हजरत उमर की इसी तालीम के मुताबिक मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, ये चीज इंडिया टीवी वाले नहीं दिखाएंगे, आपको यूट्यूब पे डालकर आम करना है कि जिस बस्ती में तुम्हारी तादाद ज्यादा हो और तुम्हारी बस्ती में हिंदू भाई कम हो, सिख भाई कम हो, जैनी भाई कम हो, तो सुनो, हिंदुओं के मंदिर, जैनियों के मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे की हिफाजत की जिम्मेदारी हिंदुओं से ज्यादा, सिखों से ज्यादा, जैनियों से ज्यादा तुम्हारे ऊपर आयद होती है, तुम्हारे ऊपर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आयद होती है। तुम्हें सिखों से ज्यादा उनके गुरुद्वारों की हिफाजत करना है, हिंदुओं के मंदिर की हिफाजत, तो मैं हिंदुओं से ज्यादा उस मंदिर की हिफाजत करना है। जो हुआ है वो एक जानवरियत थी, दिल्ली के अंदर किसी इबादतगाह को जलाया गया, गिराया गया, तोड़ा गया, वो हैवानियत थी। उनका ताल्लुक न हिंदू धर्म से है, उनका ताल्लुक न मुसलमान से है, उनका ताल्लुक जानवरों से है, हैवानियत से है, देश के दुश्मनी से है। अगर उनके अंदर इंसानियत होती तो किसी इबादतगाह को नहीं गिराते। आपसे मेरी गुजारिश है कि हजरत उमर फारूक के इस कारनामे को याद रखना, क्योंकि तुम्हारे नबी की यही शिक्षा है, तुम्हारे इस्लाम की यही दावत है। मेरे भाइयों, अब सुनिए आगे वाली बात। बड़ी गर्म है चाय, कोई बात नहीं, गर्म इसलिए लाई गई ताकि गला ठीक रहे। भाई बार बार शिकायत क्यों, हमारे हटा ले रहे ना, तो ये कट जाएगा जब सामने आ जाएंगे। ऐसा है, सुनिए, मैं मुंह नहीं हटा रहा हूँ, मेरी बोलने की स्टाइल ही ऐसी है। दूसरी बात यह है कि मैं 20 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, मुंह कोई मैं आज पहली बार थोड़ी हटा रहा हूँ। हर जगह का माइक ठीक रहता है, आपका मुंह हटाने से कैसे, ये तो आपके माइक में कमी है। माइक तो वो होता कि ऐसे करूँ तब भी आवाज जाए, ऐसे करूँ तब भी आवाज जाए। अब कोई चुपका के तो अब उसको चुम्मा लेके तो नहीं कर सकता हूँ ना, ऐसे हूँ बोलूँ तो क्या फायदा होगा, रहने दिए। तो मेरे भाइयों, हमारी इस बात को जरा याद रखिएगा, ये प्यार दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत भी इस्लाम सिखाता है, इस्लाम। और आप ऐसा करके दिखाइए, जितनी नफरतें फैलाई जाएं आप उतनी ही मोहब्बत का पैगाम दीजिए। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये दुश्मन भी जानते हैं कि नफरत कभी मोहब्बत से जीत नहीं सकती, नफरत कभी मोहब्बत से जीत नहीं सकती। मोहब्बत चंद दिन मजबूर तो हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। कैसे हार जाएगी, हारेंगे नफरत करने वाले, कहो इंशाल्लाह। नफरतें फैलाने वाले, कहो इंशाल्लाह। उल्टी गिनती अब इनकी शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह होकर रहेगी, इंशाल्लाह। हम भी दुआ करते हैं कि बारे ला, देखिए हम दुआ बहुत कर रहे हैं लेकिन चुभेगी, क्यों, चोर जिसके अंदर होगा उसको चुभेगी। जोर से कहिएगा आमीन, अभी नहीं जब हम दुआ करें, जोर से कहिएगा, दुआ करिए, आए अल्लाह हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे भारत के अंदर उन लोगों को देश की जिम्मेदारी दे जो इस देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम भर दें, आमीन। आए अल्लाह तू हमारे इस मुल्क के अंदर उन लोगों को इख्तदार दे दे, उन लोगों के हाथ में इस मुल्क की बागडोर दे दे जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बुद्धिस्ट सबको भाई भाई समझकर सबको लेकर चले, आमीन। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है, इसमें ये भी दुआ करिए, अल्लाह तू उन लोगों को तबाह बर्बाद कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे, आमीन।
जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं। आमीन। ऐ अल्लाह तू उन लोगों को बर्बाद कर दे जो इस देश के भाईचारे को मिटा रहे हैं। आमीन। ऐ अल्लाह तू इस दुनिया के अंदर ऐसी दर्दनाक और कुत्ते की मौत उनको दे जो हम हिंदू और मुसलमानों को सिख और ईसाइयों को आपस में लड़ाने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ऐसी मौत दे कि उनकी आने वाली नस्लें भी पैदा होने से पहले उनकी रूह भी कांप जाए, जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मैं समझता हूं कि मैंने ये दुआ कोई खराब दुआ नहीं की है। अब जिसके दिल में चोर होगा वो कहेगा कि हमारे ऊपर कही गई है, और जो कहे हमारे ऊपर कही गई है समझ लो कि वही लड़ा रहे इस देश को, समझ लेना कि वही इस देश को लड़ा रहे हैं, वही इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमसे हमारा देश मत छीनो। मैं आपसे वालेहना उम्मीद करता हूं। अब सुनिए आगे, हजरत उमर रोते हुए कहते हैं ईसाई से पादरी से, हमने तुम्हारी गिरजा में नमाज दफड़ के तुम्हें जलील तुम्हें इंसल्टेड नहीं किया है, बल्कि हमने तुम्हारी गिरजा की हिफाजत की है। जब गिरजा तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई जा सकती है? इस्लाम साफ कहता है जिस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई वहां हमारी नमाज होगी ही नहीं होगी। हमें खुशी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने माना, देश में अमन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानेंगे, माना, तस्लीम किया, लेकिन खुशी उससे बढ़कर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। जो इल्जाम हमारे ऊपर लगता था वो धुल गया। हम यही चाहते थे, अब तुम्हें मिल गई कोर्ट का आदेश, ले लो भाई, लेकिन हम कयामत की सुबह तक उसको मस्जिद मानते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1947 को मस्जिद थी, 1949 तक मस्जिद रही। तो जब कोर्ट ने उसको मस्जिद माना तो हम क्यों नहीं माने? हाँ, अब उसमें तुम्हें मिल गई कोई बात नहीं, आप रहिए, बनाइए शौक से, जो करना चाहो करो, हम भी उसको मस्जिद मानते हैं और मानते रहेंगे, ये एक अलग बात है। चलो मेरे भाइयों, अब हजरत उमर फारूक आगे बढ़े, अमीरुल मोमिनीन नबी यरूशलम की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर जिस ऊंट के ऊपर बैठते थे वो ऊंट उनका खादिम असलम चलाता था। ये तय हुआ था 1 मील तुम पैदल चलोगे, मैं ऊंट के ऊपर बैठूंगा, और 1 मील मैं ऊंटनी की लगाम पकड़ूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। गुलाम को कहा, नहीं नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है तो क्या हुआ, तुम थकोगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम ही चलाते रहोगे और मैं बैठा रहूंगा। नहीं, ये हमारे नबी ने फरमाया अपने गुलामों से, उतना काम न लो जो वो उठा न सके। हम तुम सब बराबर है, ये हमारे नबी की तालीम है, गुलाम और अमीर सब बराबर है, आका और गुलाम सब बराबर है। 1 मील उमर बैठते थे, 1 मील उनका गुलाम बैठता था, गुलाम बैठता था तो उमर ऊंट की लगाम पकड़ते थे, और उमर बैठते थे तो उनका गुलाम। इसी हाल में बैतुल मुकद्दस आ गया, बैतुल मुकद्दस, और बैतुल मुकद्दस पर यरूशलम के अंदर तमाम यहूदी और ईसाई खड़े हैं, आज उमर को देखना चाहते हैं कि कौन है मुसलमानों का कायद, कौन है मुसलमानों का लीडर, कौन है इस्लाम का हीरो, आज देखें कौन है जिसने चप्पे चप्पे पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। वो देखना चाहते थे, लाइन में खड़े हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन इत्तेफाक देखिए, जब यरूशलम आया, बैतुल मक़द्दस आया, 1 मील रह गया, हजरत उमर फारूक की ऊंट से उतरने की बारी आ गई, और लगाम पकड़ने की बारी आ गई, और उनके गुलाम को ऊंट पर बैठने की बारी आ गई। उल्टा अब हजरत उमर ने कहा, आहा रोको, गुलाम कहता है चुप, 1 मील ले चलूंगा मैं। हजरत उमर ने कहा, ऊंट रोको। गुलाम कहता है, अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे, मैं बैठूंगा, लोग क्या कहेंगे, आपकी इज्जत का चिनासा निकल जाएगा। हजरत उमर ने कहा, अगर मैं ऊंट के ऊपर बैठा रहा और तू
इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। मेरी इज्जत का जनाजा निकलता तो निकल जाने दे, इस्लाम का जनाजा ना निकलने दे। रोक! उसने कहा नहीं रोकूंगा। अमीरुल मोमिनीन आप बैठे रहिए, आप अमीर हैं। आप इस हाल में हजरत उमर कूद गए, हट हट चल चल मेरा हुक्म है, चल बैठ तो बैठ गया। अब बात क्यों नहीं मानेगा? अमीरुल मोमिनीन अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हम तुम दोनों पैदल चलें। क्यों? बैठो, तुम्हारी बारी है, बैठो। बैठा दिया और लगाम पकड़ के चल रहे हैं बैतुल मक्दिस तक। यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कह रहे हैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। बड़ा पतला दुबला है लेकिन बड़ा ताकतवर है, पूरे इस्लाम का परचम लहरा दिया। वो अमीरुल मोमिनीन है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। और मुसलमान कहते हैं नहीं, आए यहूदियों आए ईसाइयों, मेरा अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो ऊंट के ऊपर बैठा है। हमारा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंटने की लगाम पकड़े हुए है। उसकी बारी पकड़ने की आ गई। उसने अपना हक अपने गुलाम को नहीं दिया, उसने ऊंटनी की लगाम पकड़ ली और गुलाम के ऊंट पर बैठने की बारी आ गई। उसने उसको ऊंट पर बिठाया क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन इंसाफ का गला नहीं घोंट सकता, न्याय का गला नहीं घोंट सकता। हजरत उमर इसी हाल में ऊंटनी की लगाम पकड़ कर बैतुल मक्दिस के दरवाजे पर पहुंचे और वहां खूंटी से ऊंटनी को बांधा, मस्जिद के अंदर गए, दो रकात नमाज पढ़कर बाहर निकले। जब बाहर निकले तो हजरत उमर का ये अदल ये इंसाफ देखकर दरवाजे के बाहर बहुत से यहूदी और ईसाई ऐसे थे कि उनकी जबान से कलमा निकल रहा था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उमर तेरे इंसाफ को देखकर मुझे हया आ गई, अब इस्लाम कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। ये अदल और ये इंसाफ अगर हमारे मुल्क के अंदर कायम हो जाए, अमीर और गरीब के दरमियान से फर्क मिट जाए, तो मेरे भाइयों इस देश के अंदर अमन और शांति की गंगा बहने लगे। ये होना चाहिए। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलरिज्म है, जमहूरी मुल्क है। यहां से ज्यादा जमहूरियत, यहां से ज्यादा अपनी बात को पूरी आजादी के साथ कहने का अधिकार किसी दूसरे मुल्क के अंदर नहीं है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की देन नहीं है, ये मत समझना। ये गृह मंत्री जी अमित शाह की देन ये नहीं है। ये अपनी बात को आजादी के साथ कहने का हक हमारे इस देश के संविधान ने, कानून ने हमें दिया है, बाबा अंबेडकर ने दिया है, उनके बनाए हुए कानून ने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है। मेरे भाइयों ये किसी की बबौती नहीं है, ये एक संविधान ने यह हक हमें दिया है, कानून ने हमें यह, और हम उसी कानून की दुहाई। आज जितनी भी जगह पुरअमन प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहे हैं, जितनी भी जगह हो रहे हैं, ये क्या है? ये एहतजाज उसी संविधान का एक हिस्सा है। हमें संविधान इजाजत देता है। शाहीन बाग पे बैठी हुई औरतों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या कहा है? ये कहा है कि रास्ता न रोका जाए, लेकिन प्रोटेस्ट एहतजाज उनका संविधानिक राइट है, उनका संविधानिक हक है। ठीक है, रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको भी मानेंगे। मेरे भाइयों हमें इस देश में रहना है तो संविधान को मानना है, हमें इस मुल्क में रहना है तो हमें संविधान को मानना है। और क्यों नहीं मानेंगे? इस देश से मोहब्बत, इस देश से प्यार, ये हमारे नबी ने हमें बताया है, आपको मालूम है। और मीडिया वालों सुनो, हमसे ज्यादा देशभक्ति की तकरीर कौन करेगा? सुनो, हमारे नबी जब मक्का से निकाले जा रहे और मक्के में जब परेशान कर दिया गया, मक्का छोड़ के जब मदीने जाते हैं तो आप आखिरी दीदार खाने काबा का करते हैं और उसका गिला पकड़ते तो रोते हुए क्या कहते हैं, आए काबा मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया है, अगर मुझे तेरे बाशिंदे मजबूर न करते, मुझे इस मक्के के रहने वाले अगर मजबूर न करते, तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। जब आप गए, सुनिए वतन की मोहब्बत, जब आप गए
मक्के से निकलकर मदीने के बॉर्डर में कदम रखते हैं तो पलट के फिर मक्के की तरफ देखते हैं। मक्के की तरफ देखना इस बात का इशारा है कि वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकल रही है। हजरत इब्राहिम भी जब उनके बाप आज़र ने उनको इराक से निकाला और जब इराक से वो और लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा, लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहिम की बीवी सारा जब इराक से निकलती है, नहीं रहने दिया जाता है, इराक वालों ने निकाला, ऊर की बस्ती से निकाले गए। और जब इराक से निकलकर मुल्क शाम सीरिया पर कदम रखते हैं तो हजरत इब्राहिम इराक को पलट कर देखते और क्या कहते, कुरान पढ़िए, इन्नी साहिबुन इला रब्बी सयहदीन। आए इराक, आए मेरी बस्ती, आए वतन, मैं तेरी मोहब्बत को खैराबाद कहकर, मैं तेरी मोहब्बत को कुर्बान करके मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, जहां वो ले जाएगा मैं उस बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। ये नबियों ने हमें बताया, ये रसूलों ने बताया कि वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलना चाहिए। ये हमारे कुरान की तालीम का हिस्सा है। मैं कैसे इस देश की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दूं, मैं इस देश से प्यार कैसे अपने दिल से निकाल दूं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम इस देश से प्यार करें, इस देश से मोहब्बत करें। मदीना जाने के बाद पढ़िए मेरे भाइयों, ज़ादुल माद इब्न कय्यिम की, मदीना जाने के बाद अल्लाह के रसूल जब मदीने में सोते थे तो सोते हुए आधी रात के बाद करवट आपकी, चेहरा आपका मुड़ जाता था। सहाबा ने कहा, आपका चेहरा इधर कैसे घूम जाता है? आपने पूछा, सहाबियों जानते हो इधर क्या है? सहाबा ने कहा नहीं। कहा, इधर मेरा शहर मक्का है और वतन की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती, मक्के की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती। मेरे भाइयों, वतन से मोहब्बत करना, ये हमारे नबी ने हमें सिखलाया है, ये इस्लाम ने हमें बताया है। इसलिए इस वतन से हमें और आपको सबको प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए ये भी गुजारिश है आपसे कि प्रोटेस्ट एहतजाज करो तो पुरान करो, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए, तोड़फोड़ भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ये देश हमारा है और देश हमारे घर की तरह है और अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, गोया कि वो अपने घर को नुकसान पहुंचा रहा है।